पत्रकारिता जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसी देश में उसकी आवाज दबाने की कोशिश भी की जाती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां पुलिस के द्वारा इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ललकारने की कोशिश की गई। ग्रामीण पत्रकार संगठन ने कोरिया थाना SHO के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। जो है आपको बता दें कि SHO द्वारा एक स्थानीय संवाददाता के खिलाफ चालान करने के बाद उसे घंटों तक थाने में बैठाया गया। पत्रकार संगठन ने DM और SSP से ज्ञापन देते हुए पत्रकार के खिलाफ हो रहे फर्जी मुकदमों के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। उपयुक्त संगठन तहसील अध्यक्ष एवं स्थानीय संवाददाता बैजनाथ अवस्थी को पड़ोसी राघवेंद्र राजकुमार नरसिंह नारायण पुत्रगण बाबूराम निवासी अशोक कुमार पुत्र थाना कोड़िया के फर्जी शिकायत पर बिना जांच पड़ताल के यहां के एक SHO व दरोगा सतेंद्र यादव पूरे 6 घंटे तक थाने पर जबरन बैठा दिए। उनके ज्ञापन में पत्रकार संगठन उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया कि इससे पहले पत्रकार बैजनाथ अवस्थी का कोड़िया थाने की रसूखदार पुलिस 151 में चालान भी कर चुकी है, जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का तय बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में की गई शिकायतों के निस्तारण की प्राथमिकता के आधार पर जांच तथा प्रत्येक महापदाधिकारियों के साथ बैठक की जाए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ प्रत्येक स्थान पर पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया जिला के तर्ज पर गोष्ठी करने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संगठन ने पत्रकार बैजनाथ अवस्थी के साथ हुए इस निंदनीय घटना को लेकर काफी आक्रोश जताया। कहा कि अगर कोड़िया थाने के रसूखदार SHO अंकुर वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संगठन धरना प्रदर्शन करेगा। वहीं इस अवसर पर प्रदीप तिवारी जिला अध्यक्ष, अनिल दुबे मंडल उपाध्यक्ष, बैजनाथ अवस्थी तहसील अध्यक्ष करनैलगंज, गौरी शंकर चतुर्वेदी विधि सलाहकार आदि पत्रकार मौजूद रहे। गोंडा से वैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। परिचय देते हुए कप्तान आफिस पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए। किशोर जायसवाल, ग्रामीण प्रशासन जिला कोऑर्डिनेटर। आज हम लोग आए हैं, पत्रकार भाइयों की समस्या थी। एक वैजनाथ अवस्थी जी हैं, करनैलगंज के तहसील अध्यक्ष हैं। उनको अंकुर वर्मा नाजायज 1 हफ्ते से परेशान कर रहे थे, जबकि वो निराधार है जो कर रहे हैं। जमीनी विवाद उनका कुछ है नहीं, इन्होंने जिसका जमीन लिया है उसे कोई लेना देना नहीं है। वो नाजायज कुछ लाभ, उस अनुचित लाभ लेकर विपक्षी का वो लाभ कराने के लिए इनके ऊपर दबाव बना रहे थे। SHO हैं कोड़िया थाना के। कोड़िया थाना जी, ये जहाँ भी रहे विवाद, चाहे थानेपुर चाहे हर नगर, जहाँ भी देख लीजिए, अगर इनकी वास्तव गोपनीय जांच कराई जाए तो कहीं ना कहीं दोषी जरूर पाए जाएंगे। क्या आदेश मिला? ये मिला है, हम लोग SSP से मिले हैं अभी, उन्होंने आश्वासन दिया है और CO करनैलगंज से जाँच कराने के लिए कहा है। क्या मामला था? कप्तान ऑफिस पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए, पर्ची दे दो बनाए। जी, मैं अनिल दुबे मंडल उपाध्यक्ष देवी पाटन मंडल गोंडा। हमारे एक पत्रकार साथी हैं बैजनाथ अवस्थी, उनको कौड़िया थाने से प्रताड़ित किया जाता है, कई बार उनको टॉर्चर किया गया। उसी के संबंध में हम लोग जिला अध्यक्ष के माध्यम से सारे पत्रकार जनपद के इकट्ठा होकर के PM साहब को और कप्तान साहब को एक ज्ञापन दिया है। किस मामले को लेकर के प्रताड़ित? उनका थोड़ा जमीनी मामला चल रहा है जो कि वो निराधार है, बिल्कुल निराधार है। उनका ना खेतौनी में नाम है ना कहीं और नाम है, उनको जो है तो नाजायज परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में क्या मांग की? ज्ञापन में यही मांग की है हम लोग कि जो है तो हमारे पत्रकार साथियों को प्रताड़ित न किया जाए, नाजायज परेशान न किया जाए। अगर ऐसा होता है तो हम सब एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन और जो कार्रवाई है हम पूरा करेंगे। संगठन के लिए हम पूरा जो कुछ होगा वो हम पूरा करेंगे। प्रदीप तिवारी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष। कप्तान ऑफिस पर ज्ञापन देने आए, क्या क्या प्रकरण? कप्तान ऑफिस पर ज्ञापन देने हम आए थे, कुछ पत्रकारों की समस्याएं थी। दूसरी समस्या ये है कि शासन का आदेश हमारे पास है कि जनपद में हर थाने पर गोष्ठी किया जाए और गोष्ठी में पत्रकारों जो ग्रामीण अंचल के पत्रकार साथी हमारे हैं उनको बैठ करके चर्चा किया जाए, कोई खबर या आदान प्रदान किया जाए। दूसरी चीज है कि यहाँ पुलिस मनमानी कर रही है, हमारे पत्रकार साथियों को पकड़ कर बैठाती है। थाना अध्यक्ष अंकुर वर्मा वो हमेशा 2020 में भी कौड़िया थे विवादित थे, आज भी वो विवादित है।
उन्हीं के लिए हम लोग आए हैं कि जब तक उनको निलंबन नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग आज तो ज्ञापन दिए हैं, एक हफ्ते बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हम पत्रकारों के हित की लड़ाई हमेशा अपने लड़ते रहेंगे। कुछ मामला आया पैसे लेन देन के लिए, किसका है ये? प्रदीप तिवारी हमारे संगठन के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। इनके मतलब इनसे एक कथा कथित पत्रकार अनीस मोहम्मद अनीस है, इन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पर 1,00,000 रुपया ले लिया था। जो जब ये पैसा मांगते हैं तो फौजदारी मादा हो, उसकी भी शिकायत आज संगठन के माध्यम से किया गया है। कोई साबुत वगैरह है? साबुत तो उनके पास खुद है, साबुत तो खुद एविडेंस देंगे। किस नौकरी के लिए पैसा लिए थे? रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए, ये 2020 की बात है, उसका भी हम लोग ने जिक्र किया है। ये भी कहा है कि जो अपराधी किस्म के पत्रकार हैं, जो मीडिया सेल में जुड़े हैं उनको हटाया जाए, सूचना विभाग से हटाया जाए, जो अच्छे अच्छे वाले हैं उनको जोड़ा जाए।